नमस्ते, मेरा नाम दिलजी है। मैं बिग बाज़ार में सेल्स का काम करती हूँ एज ए टीम मेंबर। मैं यहाँ पे फूड सेक्शन में वर्क करती हूँ और यहाँ पे सुबह सुबह मेरे को ऑफर चेक करना होता है और कस्टमर को देखना होता है और उनके अनुसार स्टॉक ला के लगाना होता है पूरे दिन में, और अगर कस्टमर के पास जो नीड है वो भी ला के देना होता है। स्टॉक लगाना मुझे बहुत पसंद है और मेरे को यहाँ पे कस्टमर की नीड को सुन के उनको सामान अप्रूव कराना ये भी बहुत अच्छा लगता है। इस काम में मेरे को कस्टमर से बात करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ कस्टमर अच्छे आते हैं जिनसे बात करके अच्छा लगता है, कुछ कस्टमर एंग्री आते हैं जिन्हें हमें समझाने में भी अच्छा लगता है और लेकिन वो हमारी बात सहमत होकर जाते हैं। वीक में हमें एक टारगेट मिलता है, उसको करने में बहुत चैलेंजिंग होती है। हम अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पूरे एक टीम मेंबर्स एकजुट होके, पांच लोग हैं हम, पांच लोग एक साथ होके अलग अलग जगह पे कस्टमर से बात करते हैं और अपने टारगेट को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करते हैं। जब हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो हमें अच्छा वेल्डन मिलता है और जब नहीं होता है तो थोड़ा सा एंग्री से सुनने के लिए मिलता है। इस काम को हमें सीखने के लिए हम उन्नति गए थे, उन्नति से हमें ये काम सीखने को मिला और यहाँ पे आके हमें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई क्योंकि उन्नति ने हमें पहले से ही ट्रेन करके यहाँ पे भेजा था और वहाँ पे सब कुछ हमें ऑलरेडी पहले ही बताया था उन्होंने कि इस टाइप का वर्क करना होगा और कोई भी काम करने के लिए कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, और आप हर किसी से अच्छे से बोल सकते हैं। और अपनी झिझक दूर करने के लिए उन्नति से ही हमें मिला था सीखने के लिए। उन्नति में हमने पहले 2000 रुपये एडवांस दे के हमने ट्रेनिंग ली थी, जिसमें कि हमें कंप्यूटर और इंग्लिश और काफ़ी घरेलू वगैरह के साथ सारी चीज़ों की स्किल वगैरह बताई गई थी, जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो पाए। और इसको उन्नति में 2000 रुपये हमें 3 महीने बाद वो वापस कर दिया गया था। ट्रेनिंग के समय में हमें कंप्यूटर क्लास करना बहुत अच्छा लगा, इरफान के सर के साथ और एक हमारे इंग्लिश के सर होते थे उनके साथ इंग्लिश करने में ज़्यादा अच्छा लगता था। सिर्फ हमें पूरी क्लास में ज़्यादा दो ही क्लास सबसे बेस्ट लगती थी। मैं यहाँ पे 15 जनवरी को यहाँ पे आई थी और 15 जनवरी से मैं यहाँ पे वर्क करते हुए मेरे को 4-5 महीने हो गए हैं। 4-5 महीने में मैंने यहाँ पे अच्छा नॉलेज लिया है, जैसे सेल करना और ऑफर वगैरह चेक करना, स्टॉक वगैरह लगाना और PI वगैरह करना, काफ़ी कुछ मैंने इस यहाँ से सीखा है। मैं चाहती हूँ यहाँ से मैं TL बनूँ, टीम लीडर बनूँ और उस टीम लीडर के बाद में ADM बनूँ। ADM मतलब होता है कि डिपार्ट मैनेजर, अपना एक डिपार्ट जिसके लोगों को वो हैंडल करता है और उस सहायता के अनुसार, मतलब जो भी सामान लाया जाए उसे अप्रूव कराने के लिए, उन लोगों से अलग अलग लोगों से बात करने के लिए। मैं चाहती हूँ मेरा MBS है कि मैं डिपार्ट मैनेजर बनूँ। इस जॉब से मेरे को काफ़ी कुछ मिला है, मेरे को इससे अपनी सैलरी के साथ साथ मेरे को इंसेंटिव मिलता है, जो मैं अधिक जैसा हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो वो हमें सैलरी के रूप में, इंसेंटिव के रूप में मिल जाता है। हमारी सैलरी के साथ एक्स्ट्रा वो इंक्लूड हो जाता है और इसमें सैलरी में हमारे इसमें SI भी कटता है, PF भी कटता है। और PF हमारे कटने से ये होता है कि मतलब आगे चल के हमारे लिए वो बेनिफिट होता है। एक बार में हमारा थोड़ा थोड़ा करके पैसे कटे हुए ज़्यादा एक बार में ही मिल सकता है हमें, और SI से हमें हॉस्पिटल की बेनिफिट वगैरह मिलता है। मैं चाहती हूँ जो भी इस रिटेल लाइन में काम करना चाहते हैं वो ट्रेनिंग से अच्छा ट्रेनिंग करके आए इसमें, क्योंकि उससे उसको परेशानी नहीं होगी और ना ही कोई दिक्कत होगी। और इस लाइन में करने के लिए अपनी मेहनत और ईमानदारी बहुत ज़रूरी है।